राजधानी लखनऊ के थाना चिन्हट गांव डिगडिगा में धरती का चीर हरण कर खनन माफिया ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव के भाई दिलीप यादव और थाने की सह पर चल रहा है अवैध खनन का काला कारोबार। चिन्हट थाना क्षेत्र में धरती का सीना चीर कर खनन माफिया अपनी दुकान चला रहे हैं। योगी सरकार का फरमान यहाँ माफियाओं के आगे नतमस्तक हो गया। योगी सरकार ने अवैध खनन पर पाबंदी लगा रखी है, इसके बावजूद फलवादा के समीपवर्ती गांव में निरंतर खनन का कार्य चल रहा है। पुलिस व माफियाओं के इस गठजोड़ से दोनों अपनी जेबें गर्म करने में लगे हुए हैं। साठगांठ के चलते पुलिस भी इस अवैध धंधे को देखने के बावजूद अपनी आंखें मूंद कर बैठी हुई है। आलम यह है कि दिन में आधा दर्जन से अधिक ट्रैक्टर ट्रॉलियां खनन करके मिट्टी की सप्लाई कर रही थी, तभी पत्रकारों द्वारा स्टिंग ऑपरेशन करने के दौरान जेसीबी सहित ट्रैक्टर ट्रॉली मौके पर खनन कर रही थी। पत्रकारों को देखकर ट्रैक्टर चालक गाड़ी सहित फरार हो गए और मौके पर जेसीबी छोड़कर चले गए। उसके बाद पत्रकारों द्वारा चिन्हट थाने पर फोन करके पुलिस फोर्स को बुलाया गया और जेसीबी को पुलिस के हवाले किया गया। ग्राम कोयला में जब कोई पत्रकार स्टिंग के लिए जाता है तो खनन माफिया उल्टा उसको जान से मारने की धमकी देते हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन ने जेसीबी को अपने कब्जे में लेकर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या ये केवल एक आश्वासन बनकर ही रह जाएगा या इस पर कोई वाजिब कार्रवाई भी की जाएगी। थाना चिन्हट में जहां पे पत्रकारों द्वारा स्टिंग ऑपरेशन में मौजूद वहां पे चल रही थी जीसीबी, जिसमें से एक जीसीबी बरामद। पुलिस प्रशासन चिन्हट भी यहां पे मौजूद है। आपको बताते चले यहां से मौके से कुछ ट्राली चालक भी मौके से फरार हो चुके हैं गाड़ी लेकर के हुई। और यहां पे जो है ग्राम गोयला के ग्राम प्रधान वीरेंद्र के ही चचेड़े भाई दिलीप यादव द्वारा अवैध खनन जारी है। उनकी ही दबंगाई के बल पर अवैध खनन होता है। यहाँ पे कुछ पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद है।